नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अपने संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए उन्होंने कई कड़े कदम उठाए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम यह है कि परीक्षा में चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पर NSA की कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम करवाए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर यूपी बोर्ड एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाया जाएगा। राज्य सरकार का मकसद बोर्ड एग्जाम के दौरान नकल पर नकेल कसना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि यूपी बोर्ड एग्जाम के दौरान नकल की घटनाएं सामने नहीं आनी चाहिए। ऑफिशियल बयान में कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में बाधा पैदा करने पर आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं अगर बोर्ड एग्जाम में गड़बड़ी में क्लास इन्विजिलेटर और सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। हालांकि इन सबसे ज्यादा चर्चा NSA की हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं NSA क्या है, एग्जाम में इसे कब लगाया जाता है और इसके तहत किस तरह सजा दी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो कानून है जिसके जरिए सरकार के पास किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार होता है। अगर अधिकारियों को लगता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है या वो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर रहा है तो उसे NSA के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति पर अगर NSA के तहत कार्रवाई होती है तो उसे अधिकतम 12 महीनों तक हिरासत में रखा जाता है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ सबूत मौजूद है, NSA के तहत एक व्यक्ति को उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सूचित किए बिना 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस दौरान वो व्यक्ति हाईकोर्ट के सलाहकार बोर्ड में अपील कर सकता है, लेकिन मुकदमे के दौरान उसे वकील नहीं मिलेगा। यूपी में कहा गया कि अगर कोई बोर्ड एग्जाम में चीटिंग करेगा तो उस पर NSA लगाया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर अधिकारियों को लगता है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम में नकल करके सार्वजनिक व्यवस्था को खराब कर रहा है तो उस पर NSA के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नकल की वजह से कई बार सेंटर्स पर नियमों की अनदेखी भी होती है जिसके चलते अव्यवस्था पैदा होने का डर रहता है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा के लिए प्रिंसिपल रूम की जगह एक अलग से स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाए। उनकी CCTV से निगरानी के साथ 2 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को 24 घंटे तैनाती की जाए। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।